द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अध्याय 4। सभी सामान्यताओं और सामान्य व्यक्तियों का परिगमन तथा उन्हें जाने देना। क्यों कभी कभी मैंने विश्वास किया है कि नाश्ते से पहले 6 असंभव बातें अवश्य हो जाएगी। लुईस कैरोल, एलिस इन वंडरलैंड। तो तुम चित्रकार हो, ठीक? भीगर ने अपनी अव्यवस्थित फटीचर शर्ट के हिलते बटन से खेलते हुए पूछा। हाँ, बुदबुदाते हुए कलाकार बोला। निराश व्यक्ति की तरह मैं अच्छा हूँ मगर महान नहीं। मेरे ज्यूरिच के प्लांट में बहुत सारा कला का काम हो रहा है, भीगर ने आसक्त होकर मुस्कुराते हुए कहा। बहन ऑफ स्ट्रेसी में बस कीमतें आकाश को छूने से पहले जगह खरीदी। मैंने सर्वश्रेष्ठ कुनों के पास रहते ही महत्ता सीख ली है। जहाँ कभी भी जाऊँ, वह मेरी सर्वश्रेष्ठ जीत में से एक है कि मैंने अपने जीवन का निर्माण वैसे किया जैसा मैंने गढ़ा है। मैं अपने व्यवसाय में भी सिर्फ श्रेष्ठ एक खिलाड़ियों को ही आने देता हूँ, क्योंकि सी श्रेणी के खिलाड़ी ई स्तर का प्रदर्शन नहीं दे सकते। हम सिर्फ वे ही उत्पाद मार्केट में फेंकते हैं जो हमारे मार्केट को अस्त व्यस्त कर दे और फिर क्षेत्रों को पूर्ण रूप से इस तरह से बदल देते हैं कि वे कितने मुलायम हैं। मेरा व्यवसाय सिर्फ सेवाएं देते हैं जो नैतिक रूप से हमारे ग्राहकों को धनवान बनाते हैं, उपयोग करने वाले को विस्मयकारी अनुभव दिलाते हैं और आर्थिक उपभोक्ताओं अनुगामियों को जन्म देते हैं जो बाद में किसी और के साथ व्यवसाय करने की सोच ही नहीं सकते और मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही वस्तु है। मैं सिर्फ सर्वश्रेष्ठ वस्तु खाता हूँ मगर उसे कम ही खाता हूँ। मैं सिर्फ सबसे मौलिक और विचारशील पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। अपना समय सबसे अधिक उजाले से भरे प्रेरणादायक स्थानों में ही बताता हूँ और सबसे अधिक यात्रा जादुमयी जगहों की ही करता हूँ। और बात जब संबंधों की आती है, मैं स्वयं को उन मनुष्यों से घेर लेता हूँ जो मेरा आनंद बढ़ाते हैं, मेरी शांति को सहलाते हैं और मुझे अच्छे मानव बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन का मार्ग बहुत मुलायम है जिस पर हम उन लोगों को नहीं ले जा सकते जो आपको समझते नहीं हैं, जिनके साथ आप एक सुर में आलाप नहीं लगा सकते, जिनके जीवन मूल्य अलग हैं और उनका स्तर आपसे अधिक निचला है, जिनकी मनोदशा, हृदय लहरिया, स्वास्थ्य चलन और आत्माओं के दिशागमन आपसे भिन्न है। यह तो जादू ही है कि हमारे जीवन प्रभाव और वातावरण कितनी सफलता और गहराई से हमारी उत्पादकता को और टक्कर को आकार देता है। रोचक उद्यमी ने अपने फोन को घूरते हुए ध्यान दिया। लगता नहीं कि वह जानता है कि वह क्या बात कर रहा है, उसने धीमे से फुसफुसाकर कलाकार से कहा। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर थी। उसके चेहरे का मकड़ी के जाले जैसा झुर्रियों का जाल कुछ और तनाव मुक्त हुआ। एक कलाई में 2 चांदी की निर्मल चूड़ियां लटक रही थी, एक पर सुवाक्य अंकित था, नहीं कर सकता को कर सकता मैं बदलूं, और दूसरों पर अंकित था, कर लिया उत्तम होने से बेहतर है, जो कर लिया वह संपूर्णतः से अधिक अच्छा है। उद्यमी ने ये दोनों उपहार स्वयं के लिए खरीदे थे जब उनकी कंपनी आरंभिक स्टेज पर थी और वह स्वयं एक सर्वोत्तम आश्वस्त मानसिकता में। मैं मानसिकताओं के बारे में जानता हूँ, कलाकार ने कहा, पर कभी देह, स्वास्थ्य और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति के बारे में नहीं सुना। तुम अवश्य सुनोगे, बेघर ने उसे सुझाव दिया, और एक बार अगर सुन लिया तो जिस प्रकार से निर्माण करते हो, उत्पादन करते हो, उसे दिखाते हो, वैसा नहीं रहेगा किसी भी निर्माता या विश्व निर्माता के लिए गंभीरता से क्रांतिकारी विचार। अतः कुछ उद्यमी और अन्य मनुष्य इनके बारे में जानते हैं। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो उनके जीवन का हर महत्वपूर्ण तत्व तेजी से बढ़ने लगेगा। अभी के लिए मैं निजी आश्वासनों पर अपने चारों ओर उच्च गुणवत्ता के लिए रोक लगाना चाहती हूँ।
उच्चतम गुणों पर भी वातावरण आपके चिंतन को प्रेरणाओं और आपको कार्यान्वयन को आकार देता है। कला आत्मा को भोजन देती है, पुस्तकें आकांक्षाओं को युद्ध से बचाती है, समृद्ध संवाद रचनात्मकता को विशालता देता है, आश्चर्यजनक संगीत हृदय को ऊपर उठाता है, सौंदर्यमय दृश्य आत्मा को पुष्ट करते हैं। इन सबके लिए सकारात्मकता से भरी सुबह चाहिए, जो खोजी विचारों को भारी मात्रा में डाउनलोड कर पीढ़ी को उत्प्रेरित कर सके। यह कहना जरूरी है कि मानव जाति का उत्थान व्यवसाय का एक सर्वोच्च खेल है, जिसे शिखर के 5% खेलते हैं। व्यवसाय का असली उद्देश्य केवल निजी संपत्ति को बनाना नहीं है, इस खेल का वास्तविक उद्देश्य समाज का भला करना है। मेरा मुख्य ध्यान सेवा करने पर है। धन, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा तो उपो उत्पाद है जो मुझे राह में मिल गए। एक पुराने और उल्लेखनीय मित्र ने मुझे इस राह पर चलना सिखाया था जब मैं युवा था। इसने मेरी संपन्नता की स्थिति और निजी स्वतंत्रता के परिणाम को बिल्कुल बदल दिया और तभी से इस विरोधाभासी व्यवहार दर्शन विषमय दिखने वाले दृश्य काम करने के मेरे ढंग पर हावी है। किसे पता, शायद मैं अपने ज्ञान गुरु से आपको मिलवाऊं। घुमक्कड़ कुछ रुका, उसने अपनी बड़ी घड़ी को देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, अपनी सुबह के स्वामी बनो, जीवन को उन्नत बनाओ। मानो जादू से एक बहुत ही छोटा और काफ़ी मोटा सफ़ेद कागज उसके फैला रखें लंबे बाएं हाथ की हथेली में आ गया। निश्चय ही कोई तरकीब थी, आप तो उससे बहुत प्रभावित हुए होते यदि वहाँ इन तीनों आत्माओं के साथ खड़े होते। उस कागज पर आकृति कुछ कुछ इस प्रकार की थी, उद्यमी और कलाकार दोनों के मुख खुले रह गए, मानो वे दोनों भ्रम और मंत्र मुक्त हो गए। तुम दोनों में प्रत्येक के अंदर एक हीरो है। तुम जब बच्चे थे जानते थे, फिर बड़ों ने तुम्हें अपनी शक्ति को सीमित करने को, अपनी बुद्धिमत्ता को बंधन में रखने को और अपने हृदय के भेदों को धोखा देने को कहा। बेकर ने उनसे कहा, काफ़ी हद तक निपुणकर्ता के अंदाज में, बुजुर्ग बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। उसने आगे कहा, जब तुम बहुत छोटे थे तुम जानते थे कि कैसे जीना है, सितारों को टकटकी बांध कर देखना मन में खुशियाँ भर देता था, बगीचे में दौड़ना शरीर में प्राण भर देता था और तितलियों का पीछा करना आनंद की बाढ़ ले आता था। ओह, मैं तितलियों को कितना पसंद करता था। और फिर तुम जब बड़े हुए तो भूल गए कि मनुष्य कैसे बना जाए, बहादुर और उत्साही बनना और प्यार करना तथा उन्माद की हद तक जिंदा रहना भूल गए। तुम्हारी आशा की रचनात्मकता धुंधली पड़ गई, सामान्य बने रहना स्वीकार कर लिया। रचनात्मकता का दीपक सकारात्मकता और महानता के साथ तुम्हारी आत्मीयता भी मध्यम पड़ गई। ज्यों ज्यों तुमने उसमें समाने का प्रयत्न किया, औरों से अधिक पाने और लोकप्रिय बनने का, ठीक हूँ मैं यह कहता हूँ, शिथिल हो गए बुजुर्गों, उदासीनता सीमित का हिस्सा मत बनो। मैं तुम्हें आमंत्रण दे रहा हूँ एक यथार्थ में प्रवेश करने का, जिसे सिर्फ वास्तविक महागुरु और इतिहास के महाज्ञानी पुरुष जानते हैं। अपने भीतर की आद्य शक्ति को खोजने की, जिन्हें आप जानते ही नहीं थे कि वे वहाँ ग्रह हैं। आप अपने कामों में निजी जीवन में भी जादू पैदा कर सकते हैं, मैंने यकीनन किया है और यहाँ मैं तुम्हारी ऐसे करने में सहायता के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि कलाकार और उद्यमी एक शब्द भी भूल पाते, बेकर ने अपना प्रवचन जारी रखा। ओ, मैं कला में उलझकर रह गया था और जिस परिस्थिति की तंत्र के साथ आपका जीवन बना है, वह मुझे पुर्तगाली लेखक फर्नांडिस पेसोआ के विलक्षण शब्दों की याद दिलाता है। कला हमें विमुक्त करती है, भ्रम के माध्यम से अपनी भूले याद नहीं आती जो घटिया है, क्योंकि वे हमारी और घटिया क्योंकि वे घटिया हैं।
मुझे विसेंट वान गोथ की याद दिलाता है जिन्होंने कहा था, मुझे कुछ भी विश्वासपूर्वक नहीं मालूम मगर सितारों के दृश्य मुझे सपने दिखाते हैं। बेगर व्यक्ति बड़ी मुश्किल से निकला, उसकी आंखें दूर चली गई, उसने निराशा से अपना गला साफ किया। मित्रों, मैं बहुत हालातों में से गुजर चुका हूँ, जीवन ने मुझे लतियाया और ठोकरें मारी हैं, बीमार रहा हूँ, हमला हुआ है, दुर्गति हुई, दुरुपयोग हुआ, अरे मैं तो मानो गांव का गीत बन गया हूँ। अगर मेरे साथी ने मुझे धोखा दिया होता और मेरा कुत्ता मर गया होता, मेरा सफर एकल होता। बेघर हंसा, एक विचित्र गले से निकली हंसी, मानो सर्कस का विदूषक तेजाब पीकर हंसा हो। उसने आगे कहा, कष्ट गहराई में उतरने का मार्ग है, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, और दारुण विपत्ति प्रकृति का महान संशोधन। यह नकली भय और अभिमान जो घमंड से जन्म लेता है, को कला को जलाकर नष्ट कर देता है, हमें हमारी चमक और बुद्धिमानी वापस लौटाता है। यदि आप में उसमें जाने की हिम्मत है जो घाव देता है, कष्ट अनेकों पुरस्कार देता है जिनमें मौलिकता, सहानुभूति, सापेक्षता और प्रमाणिकता भी आ जाती है। जोनस साल्स ने कहा, मुझे सपने भी आते थे और दुस्वप्न भी, मैंने अपने सपनों से दुस्वप्नों को जीत लिया, बिना निमंत्रण, पथिक ने जोर से कहा। वह बहुत अजीब है, अविश्वसनीय ढंग से संदेश, मगर उसमें कोई तो बात है, उद्मी ने कलाकार के आके माना, अपने उन्माद थोड़ा सा उखाड़ते हुए। उसी ने अपने तांत्रिक व्यवसाय को बचा कर रखा हुआ था, अभी अभी उसने जो कहा उसी बात को मैं सुनना चाहती थी। मुझे पता चला कि वह ऐसा दिखता है मानो वह गत्ते के डब्बे में सड़कों पर रहता हूँ, मगर उसके शब्द तो सुनो, कभी वह कवियों के समान बोलता है, वह इतना सुस्पष्ट कैसे हो सकता है, उसमें गहराई कहाँ से आती है, और उसका यह पुराना मित्र कौन है जिसने उसे, वह कहता है, बहुत कुछ सिखाया है। उसमें वह उष्मा भी है जो मुझे अपने पिता की याद दिला जाती है, मैं उन्हें अभी भी याद करती हूँ, वह मेरे विश्वसनीय थे, मुझे सबसे अधिक सहारा देने वाले और मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र, मुझे उनकी रोज़ याद आती है। ठीक है, कलाकार ने उस विचित्र अजनबी से कहा, तुमने पूछा था कि मुझे व्याख्यान की कौन सी बात श्रेष्ठ लगी, मुझे वह हिस्सा सचमुच अच्छा लगा जहाँ निपुण वक्ता पाटन योद्धा क्रीड़ा की बात करते हैं, जो कहते हैं वह जो ट्रेनिंग के समय अधिक पसीना बहाता है, युद्ध में कम खून बहाता है, और मुझे उनकी यह पंक्ति पसंद आई थी, उच्च जीत उन सुबह के घंटों में बनाई जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता और जब अन्य सभी सो रहे होते हैं, उनकी नित्या विश्वस्तरीय प्रातःकाल की दिनचर्या के बारे में महान थी। उद्मी ने अपने साधन पर दृष्टि डाली, मैंने कुछ अच्छे संदर्भ जमा करके रखे हैं मगर मैंने उन रत्नों को नहीं बटोरा, वह बोली और जो उसने सुना था उसे गांठ बांध लिया। हम सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, बेघर व्यक्ति ने बुद्धिमानता से कहा, मानो साधु हूँ, सारा ज्ञान हमें ठीक उसी स्थान पर मिलता है जहाँ हम हैं, और जैसे जैसे हम महान होते जाते हैं बेहतर समझने लगते हैं। अचानक निपुण वक्ता की आवाज़ बज उठी, बेघर व्यक्ति की आंखें ताजमहल के समान बड़ी हो गई। किसी की भी समझ में आ गया होगा कि वह कितना अधिक विस्मित था उस सुप्रसिद्ध ध्वनि को सुनकर। उसने मुड़कर देखा ध्वनि के उद्गम को खोजने के लिए, अविलंब सब कुछ स्पष्ट हो गया। कलाकार अपने सेमिनार की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग को बजा रहा था, यह है वह हिस्सा जो मुझे सबसे अधिक अच्छा लगा था, आपके पूरे सवाल के जवाब में प्रिय भाई, उसने गंदे अस्त व्यस्त घुमक्कड़ की आँखों में सीधा देखते हुए कहा। आज साइबर ज़ोंबी संस्कृति में जिन्हें आदत पड़ गई है विक्षेप और व्यवधान से पीड़ित, तब
सबसे बुद्धिमानी का मार्ग सर्दियाँ यही है कि तुम निरंतर उत्कृष्ट कौशलपूर्वक परिणाम पैदा करो अपने कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन में भी, और इसके लिए एक विश्व स्तरीय सुबह का कार्यक्रम सुनिश्चित करो। और आपके आरंभिक घंटे ही हैं जब नायक गढ़े जाते हैं। दुर्बलता के विरोध में युद्ध आरंभ करो और भय के खिलाफ आंदोलन। आप वास्तव में प्रातःकाल जल्दी उठ सकते हैं और ऐसा करना दिग्गज बनने के रास्ते में बहुत आवश्यक है। अपने दिन के आगे के भाग की विशेष संभाल करें और दिन का शेष भाग स्वयं ही अपनी संभाल कर लेगा। अपने प्रातःकाल के स्वामी बनो, अपने जीवन को उभारो। निपुण वक्त को सांस में घरघराटे सुना जा सकता था, मानो कोई नया तेरा जल्दी में काफ़ी दूर चला गया हो। कलाकार अपनी रिकॉर्डिंग बजा रहा था, आवाज़ बढ़ा रहा था जो अब की चीख रही थी। यह छोटा सा बहुमूल्य रहस्य है जो उद्योग के शीर्ष कला निष्पादक मानवता को अत्यंत प्राप्त करने वाले आपके साथ कभी नहीं बांटेंगे। विशाल परिणाम विरासत में मिले आनुवंशियों से कहीं कम और आपकी रोजा आदतों से कहीं ज़्यादा। आपका प्रातःकाल का धार्मिक कृत्य आपकी योग्यता और चरित्र प्रबल को आंकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर स्वचलन के लिए, जब हम महामानवों को सक्रिय देखते हैं तो दबावपूर्ण प्रलोभन जो हमारी संस्कृति ने हमें बेचा है, जो विश्वास दिलाता है कि वे इस असाधारणता में पैदा हुए थे, सौभाग्यशाली DNA लॉटरी जीत गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें पैतृक रूप से मिली है। मगर सच्चाई तो यही है कि हम उन्हें उनकी पूर्व गौरवमय ओजस्वता में एक सुनिश्चित प्रक्रिया को वर्षों करने के बाद देख रहे हैं, जिसमें अनंत घंटों का अभ्यास लगा हुआ है। जब हम शानदार खिलाड़ियों को व्यापार करते, खेल कूद, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में देखते हैं, तो उस समय हम एकल बिंदु के आसपास सांद्रता के अर्जित परिणामों, एक कौशल पर खगोलीय फोकस, एकोन्मादी लक्ष्य के लिए बलिदान की तीव्रता, गहराई के असाधारण स्तर तथा विशिष्ट ठोस धीरज का अवलोकन कर रहे हैं। याद रखें, हर अनुभवी व्यक्ति कभी तो नौसिखिया रहा होगा, और हम प्रवीण ने अपना आरंभ भी आरंभिक के रूप में किया होगा। सामान्य व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है यदि एक बार उन्होंने सही आदतों को नित्य क्रम में डाल दिया। यह महिला बहुत मजबूत है, बेघर व्यक्ति ने कहा। उसने अपने गंदे हाथ मैले में एक बालक की भांति बचाए। उसने अपनी घड़ी फिर से एक बार देखी, फिर उसने अपने पैर नितंबों को आगे पीछे हिलाने समय झुकलाए। उसके हाथ अब हवा में लहरा रहे थे और वह अपनी उंगलियों को चटका रहा था फिर से आंखों को बंद करके। वह ध्वनि ऐसी लगती थी जिससे पहले के रैपर्स बिना बूम बॉक्सेज के अपने फटे होठों से निकालते थे, अब उसे सक्रिय देखकर चकित हो गए होते। यह क्या तमाशा कर रहे हो, कलाकार ने चिल्लाकर कहा। नाच रहा हूँ, बेघर व्यक्ति ने शांत से घूमते हुए उत्तर दिया। यह मनमोहक ज्ञान मेरे पास लाते रहो, सुकरात ने कहा था। शिक्षा दीपक के जलने जैसी है, और आइजन एसिमो ने लिखा है, आत्म शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा है जो मुझे विश्वास है शिक्षा है। अतः प्राचीन गुरुओं के शब्दों को सुनते सुनाते रहो दोस्त, यह सब इतना गठीला है। कलाकार ने फिर से रिकॉर्डिंग चलाई। इस विश्व ने अपनी महारत के सभी चोरों का भारी विरोध करे जिसने आपको व्याकुल किया है, डिजिटल मनोभ्रष्ट करके पागल बनाया है। अपने ध्यान को पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बलपूर्वक पुनः संभावित सबसे अधिक पीड़ा पर लगा, और आज ही उन सारे कारणों को समाप्त कर दे जो आपकी शक्ति की विकासहीनता का पोषण करते हैं। कल्पना करती बनना आरंभ करें।
वे दुर्लभ लोग जो आपके भविष्य की शालीनता में से बना पिछले जीवन की कैद की सलाखों में से आगे आए थे। हम में से प्रत्येक आश्चर्यजनक चमत्कारों से भरे दिनों के लिए तरसता है। हम में से प्रत्येक विशुद्ध नायकत्व को सबक बनाकर आदिकालीन श्रेष्ठ कृतियां उत्पन्न करना चाहते हैं। हर मानव जो जीवित है उनमें एक आदि वासना होती है कि वे सर्वश्रेष्ठ रचनाएं बनाए, ताकि वे विस्मय उत्पन्न करें, विस्मय बोध पैदा हो और ज्ञात हो जाए कि हम अपने घंटे इस प्रकार से बिता रहे हैं जो दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाता है। कवि थॉमस कैंपेल ने सुंदरता से कहा था, जब उन्होंने ध्यान दिया था, हृदयों में जीने के लिए हम मरना नहीं पीछे छोड़े जाते हैं। हम में से प्रत्येक वास्तव में अपने अपने प्रामाणिक तरीके से इतिहास बनाने के लिए निर्मित हुआ है। किसी के लिए इसका तात्पर्य होगा एक श्रेष्ठ नियम वाली बनना या उत्तम शिक्षक बनना जो युवा मनों को ऊपर उठा सके। अन्य के लिए इस अवसर का मतलब विस्मयकारी माँ बनना या अद्भुत व्यवसाय स्थापक बनना हो सकता है। अभी किसी और के लिए इस सौभाग्य का अर्थ होगा एक विस्तृत व्यापार को बढ़ाना या एक विलक्षण विक्रेता बनना जो ग्राहकों को अति उत्तम सेवा देता है। यह अवसर भविष्य की पीढ़ियों को याद रहे और एक ऐसा जीवन जिया जाए जो मायने रखता हो, कोई साधारण बात नहीं है, यह वास्तव में सच्चाई है। फिर भी हम में से बहुत कम ने इसे खोजा और फिर स्थापित किया है। बिल्कुल ऐसी मानसिकता सुबह के आचरणों और संगत स्थितियां इन परिणामों की जो हमारे सदृश हैं गारंटी देते हैं। हम सभी अपने विशाल प्रतिभाओं, असीम आनंद, भय से मुक्ति के जन्मसिद्ध अधिकारों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं, मगर हम में से कम लोग ही उस कार्य को करना चाहते हैं जो हमारी आविष्ट बुद्धि को स्वयं को प्रस्तुत करने देगा। है ना अद्भुत, और यह बहुत दुखद भी है। हम में से अधिकांश अपना सार की दीप्ति से मनमग्न हो चुके हैं। हम में से अधिकांश इस काल में भी अपने जीवन को कीमती घंटे व्यस्त रहकर बिताते हैं, तुच्छ का पीछा करके बनावटी मनोरंजन में, जबकि हम वास्तविक जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही अंत में हृदय घातक का मूल तंत्र बन जाता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ सुबहों और भविष्य प्रविष्णुता उत्पादक दिनों को उन पहाड़ों को चढ़ने में बिताने का क्या फायदा, जो जब आप दुर्बल और झुर्रियों से भर चुके हों तो ज्ञात हो कि गलत थे। बेहद दुखद यह हिस्सा सचमुच मेरे साथ प्रतिध्वनि हुआ। बीच ही में उद्यमी ने कुछ भावुकता से कहा, मैं निश्चय ही अपनी शिल्प कला की आदी हूँ, हर वस्तु को परखना नहीं भूलती, सुबह सबसे पहले और रात को अंत में वितरण प्रदान करने का दायित्व लिया है और मेरे जीवन की सारी हलचलें मेरी शक्ति चूस रही है। यह सब बहुत उलझ गया है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास मेरे स्वयं के लिए भी कोई समय है। यह सब बहुत ज़्यादा है, इतने सारे संदेश और सूचनाएं तथा विज्ञापन और पहलवे, और जो निपुण वक्ता ने कहा वह भी मेरे लिए मददगार है, क्योंकि अब नायक के रूप में मैंने अपना स्तर ऊपर उठा दिया है। अब मैं मानो दीवार से टकरा गए हूँ। मेरी कंपनी ने मेरी आशा से अधिक तरक्की की है, मैं कल्पना से अधिक सफल हो गई हूँ, मगर कुछ वस्तुएं हैं जो मन भर का वजन मेरे दिल पर रखे हुए हैं। उसने परे देखा और अपनी बाहें फिर से मोड़ ली। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैं किन बातों से निपट रही हूँ, उद्यमी ने सोचा। फिर उसने जारी रखा, मुझे अनेक लोगों को छोड़ना पड़ा जिन्हें मैं सचमुच चाहती थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कुछ व्यक्ति जो व्यवसाय की एक घड़ी में सटीक होते हैं वे संस्था के बढ़ने पर संभव है काम में न आ सके।
वह बहुत मुश्किल था। वह पिछले समयों में आदर्श कर्मचारी थे, मगर वह अब के साथी नहीं हैं। और अब मेरी दुकान में बहुत सी नई बातें उभर कर आ रही हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को उलट कर रख दिया है। मैं उसके